कुचामन सिटी में ऊर्जा विभाग के निर्देशों के अनुसार अजमेर डिस्कॉम द्वारा सोमवार को उपखंड कार्यालय सहायक अभियंता अवी विलिनी कुचामन कार्यालय में शिविर लगाया गया। अधीक्षण अभियंता जीआर मीना ने बताया कि जिसमें 31 दिसंबर 2022 तक के कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य श्रेणी में कटे हुए बिजली कनेक्शनों को बकाया राशि जमा कराकर पुनः जोड़ने के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया राशि में विशेष छूट प्रदान की गई। आम उपभोक्ताओं को इस स्कीम के तहत लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निर्वाण के निर्देशानुसार सोमवार को प्रत्येक उपखंड कार्यालय में विशेष शिविर आयोजित लगाया गया। अधीक्षण अभियंता जीआर मीना ने बताया कि कुचामन वृत्त के सभी कार्यालयों में सोमवार को विशेष शिविर आयोजित किया गया ताकि अधिक से अधिक बकायात वाले उपभोक्ताओं को इस स्कीम के तहत लाभान्वित किया जा सके। एमनेस्टी स्कीम योजना के तहत हमारे द्वारा 700 उपभोक्ताओं को नोटिस देकर अवगत कराया जा चुका है, जिसमें से 115 उपभोक्ताओं ने शिविर का लाभ उठाया और 26 लाख रुपए निगम को राजस्व प्राप्त हुआ। इसी तरह वीसीआर के 93 केस दर्ज हैं, जिनमें से इस योजना का फायदा उठाते हुए 36 लोगों ने वीसीआर के मामलों का समझौता किया गया, जिसके तहत विद्युत निगम को 11 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। अधीक्षण अभियंता गंगाराम मीना ने कहा कि उपभोक्ता सरकार की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, यह सुनहरा अवसर है। इस AENOP जांगू JEN अशोक कुमार, ओम प्रकाश राडे, शिरीष कुमार, चेतन सिंह आदि मौजूद रहे। एमनेस्टी स्कीम में जो गवर्नमेंट ने अभी चलाई है, कटे हुए कनेक्शनों पे जो ब्याज और LPS जो लगा हुआ है, लेट सरचार्ज, उसकी फुली छूट दी गई है। इसके लिए हम लोगों ने अभी तक करीब 700 कंज्यूमरों को टच करके नोटिस देकर उनको अवगत कराया कि भाई ये छूट योजना का लाभ उठाएं। उसमें से हमारे पास में कंज्यूमर 115 कंज्यूमर अटेंड हुए हमारे पास में, जिसमें से हमने उनको करीब 26 लाख रुपए का राशि हुई उसमें, जिसमें ब्याज और पेनल्टी की छूट मिली और 25 लाख रुपए हमारे बिजली निगम में जमा हुए। क्या संदेश आप उपभोक्ताओं को देंगे? मैं इस एमनेस्टी स्कीम के माध्यम, जो सरकार ने एमनेस्टी स्कीम जो चलाई है, उपभोक्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि पुराने कटे हुए कनेक्शन या जिन पर बकायत चल रही है उसके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर सरकार ने दिया है। इसको लाभ उठा करके और अपने कनेक्शनों को पूरे जुड़वा सकते हैं दोबारा। और ऐसे ही VCRों के लिए भी जो विद्युत चोरी के मुकदमे जो चल रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने जो योजना चलाई है अभी, उसमें 40% सिविल लाइबिलिटी जमा करके और उसको भी निष्पादित किया जा सकता है। इसके केस भी हम लोगों ने अभी अटेंड करवाए हैं, जिसमें करीब VCR के 93 केस थे, उसमें से 36 केस 36 केस अभी हमने सेटल्ड कर दिए हैं, और जिनका अमाउंट करीब 11 लाख रुपए जमा हुए हैं और करीब 25 लाख रुपए इनकी राहत मिली है, छूट मिली है इनको।